अस्सलामुअलैकुम। शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे फास्ट फूड ना पसंद हो, तो आज बच्चों को मिलने वाली है सैंडविच ट्रीट। तो चलिए बनाते हैं मैक्सिकन स्टाइल चिकन ग्रिल सैंडविच। बहुत ही यम्मी बनता है एंड इसे बनाना भी बेहद आसान है। एंड हाँ दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसे क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बनाएंगे इधर चिकन फिलिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, इसमें हम ऐड कर लेंगे अब 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन। चिकन के जो पीसेस है छोटे छोटे साइज में आप कट कर लें। अब चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसे मीडियम हीट पे कुक करेंगे। अब ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम चिकन के साथ अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले। नमक ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च का पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरिगैनो। अब अच्छे से इसको मिक्स कर ले एंड इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिल्ली सॉस। अब इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स करने के बाद अब हम लिड क्लोज करके लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे से हमारा पक चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा अच्छे से ड्राई कर लेंगे एंड पीसेस छोटे रहने की वजह से चिकन अच्छे से जल्दी कुक हो जाएगा। अब ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम हीट को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये देखिए चिकन ठंडा होने के बाद इसे इस तरह से फाइन चॉप कर लेना है। तो ये हमारी अच्छी तरह से चिकन की चॉपिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे वेज मेयो, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का क्यूक्यूम्बर ले लिया है, जिसे अच्छे से मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद एक छोटा सा कैरेट ऐड कर देंगे, एक छोटी साइज की प्याज को फाइनली चॉप करके ऐड कर लें। देन इसके बाद ऐड करें एक छोटा सा टमाटर, जिसके मैंने यहाँ पे सीड्स निकाल लिए हैं एंड थोड़े से ग्रीन बेल पेपर्स ऐड कर लें। अब इन सभी को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे एंड थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करें। एंड इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप लेमन जूस थोड़ा ज्यादा ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड कर लेंगे एंड 1/2 टीस्पून ऑफ काली मिर्च का पाउडर। अब इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स करें एंड ये देखिए हमारा वेज मेयो एकदम रेडी है। अब सैंडविच को असेंबल कर लेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे 3 ब्रेड स्लाइसेस एंड इसके चारों तरफ से इसके कॉर्नर्स कट कर लें। अब एक ब्रेड स्लाइस ले लें एंड 1 स्पून भर के सॉर क्रीम ऐड करें। अगर आपके पास सॉर क्रीम ना हो तो घर की फ्रेश मलाई या हेवी फूड क्रीम ले लें। उसमें ऐड कर लें चुटकी भर नमक, थोड़ा सा लेमन जूस एंड 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ दूध। अच्छे से एक बार मिक्स करें एंड इसको ब्रेड पे स्प्रेड कर दें। एंड अब इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन फिलिंग जो हमने बनाई थी। चिकन फिलिंग ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड मोजरेला चीज। खूब सारा ऐड करें। चीज ऐड करने के बाद जो सेकेंड ब्रेड स्लाइस है हम इसके ऊपर रख देंगे एंड इसके ऊपर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वेज मेयो जो हमने बनाया था। अच्छे से स्प्रेड कर लें ब्रेड स्लाइस के ऊपर एंड इसके बाद थर्ड ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रख दें। एंड फाइनली हम इसके ऊपर अच्छा सा बटर लगाएंगे एंड यहाँ पे मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है। इसके ऊपर ऐड करेंगे बटर एंड जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए हम सैंडविच को टोस्ट कर लेंगे। अब सैंडविच को दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पे टोस्ट करेंगे।
तो ये रहा हमारा मेक्सिकन स्टाइल चिकन ग्रिल सैंडविच एकदम रेडी। बहुत ही टेस्टी बनता है एंड बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करिए एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन क्लिक कर दें, शेयर करें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।